भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे मंजू नेता के खिलाफ एफआईआर का मामला सामने आया है। उनके खिलाफ थाना सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज हुई है। कृषि उपज समिति छतरपुर के द्वारा ये एफआईआर करवाई गई है। बताया जा रहा है कि बीते रोज उनके द्वारा टोल पर तैनात कृषि उपज समिति के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था और गाली गलौज की गई थी। हालांकि इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें मंजू नेता खुद वीडियो बना रहे हैं, जहां पर किसी प्रकार की गाली गलौज या चूमा झपटी जैसा कोई मामला सामने दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल मामला जो कुछ भी है, हालांकि मंजू नेता के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसकी खबर जैसे ही मंजू नेता को लगी तो वह अपनी गिरफ्तारी देने थाने पहुंच गए। नाम पे पैसे की उगाही की जाती है और मोटी मोटी रकम को कमाने के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र, ऐसे ऐसे रचना रची जाती है, ऐसे रचना रची जाती है। आरोप कहते हैं, आप बताइए आरोप नहीं है? ये प्रमाण देखिए ना, किसानों की गाड़ियां देखो ये खड़ी हैं। ये कैसे तय करेंगे कि क्यों रोक रहे हैं ये गाड़ी? कारण नहीं बता रहे। कह रहे साहब 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 बस इनकी रकम जेब में डाल दीजिए, कोई साहब नहीं है, कुछ नहीं है, काम चालू हो जाएगा। और देखो भैया वो गेट बंद है, ये गेट बंद किए हुए हैं क्योंकि दूर रहे व्यापारी, व्यापारी आदमियों की पेट्रोल की बर्बादी करवा रहे हैं, ये गाड़ियों की बर्बादी करवा रहे हैं भीड़ के नाम से। वो यहाँ पे यहाँ पर देखिए देखिए ये प्रमाण आ गया भैया, किसान की रसीद काट दी है, इनने पैसा दे दिया तो ले भैया इन्हें अंदर जाने लिया। अब आप बताइए कि ये व्यापारी की है कि किसान की है? आप बताइए, आप बताइए। आप बताइए, हाँ नहीं छोड़ा तो भैया उसने कहा किसान है तो आपने क्यों? हमने नहीं, मतलब जिस सेम की भाषा हो गई अब? नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, आप क्या करेंगे? आप कैसे तय करेंगे? नहीं नहीं, आप बताए भैया, देखिए माननीय अधिकारी आप बताइए, आप क्या, आप पहले बताइए आप कहाँ से हैं? भूदौर से। भूदौर से आप क्या खेती किसानी कहते हैं? क्या खेती किसानी कहते हैं? आप कौन सी गाड़ी में ले आए माल? अपना माल ले आए हैं और इनने किसान के नाम आपने बताया था किसान है ये? रोज बता दें, बता दें, परंतु इनके द्वारा पैसा लिया गया? बिल्कुल लिया। अरे देखिए आप बताइए, वो कह रहे हैं भूदौर के किसान है, आप व्यापार, मतलब देखो किसान से व्यापारी बना दिए किसान को माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, माननीय कलेक्टर महोदय एसडीएम साहब द्वारा को मेरी आवाज पहुंच रही हो। सो देखिए आप कर्मचारियों की, अपने कर्मचारियों की करतूत देखिए, कैसे इनके द्वारा अनैतिक रूप से पैसे की उगाही की जाती है। यहाँ नहीं, जो लाइसेंसधारी व्यापारी नहीं है उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, है ना? उसका माल का प्रेस अंदर नहीं आएगा, उसके लिए तो है ना एसडीएम साहब से कि उसका माल अंदर नहीं आएगा। सिविल लाइन थाने में मेरे ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसके संबंध में मैं आज शाम 7 बजे सिविल लाइन थाने गिरफ्तारी देने जाऊंगा। मैं भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाता रहूंगा, चाहे मेरी आपराधिक प्रकरण चाहे जितने दर्ज कर दिए जाए, इन भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध मैं खुलासा करता रहूंगा। मैं किसी भी आपराधिक प्रकरण से या किसी भी कार्रवाई से नहीं डरूंगा। भ्रष्ट अधिकारी लोग सावधान हो जाओ, मैं किसी भी प्रक्रिया से डरने वाला नहीं हूँ, प्रक्रिया से डरने वाला नहीं हूँ।